हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथिकल मैट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए मैंने इजी ट्रिक बताई है जिससे आप 1 से 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में मैं ऐसे ट्रिक बताऊँगा जिससे आप बिना क्वेश्चन को बिना पेन के यूज के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, तो 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न कभी हुआ है तो लास्ट में जो शेष दिया हुआ है और जितना से भाग देना है उसमें डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 29 शेष बचा है और 8 से डिवाइड देना है, भाग देना है लास्ट में, तो 8 से भाग दे देंगे। देखिए 8 की 24, तो फिर 29 है तो कितना बच गया, 5 शेष बच गया। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, 5 शेष। शेष पूछा था तो शेष बच गया 5, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 13 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए यदि दो संख्या का योग और अंतर दिया हुआ हो तो बड़ी संख्या पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या यदि पूछ दिया जाए तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या जाता है, इसमें बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो 25 और 13 को दोनों को जोड़ दीजिए, तो 25 और 13 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए 25 + 13/2, यानी कि ये हो गया 38/2, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ बड़ी संख्या तो हो गया, छोटी संख्या उसी तरह निकालेंगे, छोटी संख्या। तो देखिए छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या यहाँ पे जैसे हम लोग जोड़ के 2 से भाग दिए थे, वहीं यहाँ पे क्या करेंगे, घटा के 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 25 - 13/2, यानी कि यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12/2। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2 है सॉरी, यहाँ पे 6, तो ये हो गया गुणा, गुणनफल पूछा है तो गुणनफल पूछा है तो इनको गुणा कर देंगे, 19 × 14 से, यानी कि 114 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यदि बड़ी संख्या पूछता, बहुत बार बड़ी संख्या भी पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पे यदि बड़ी संख्या पूछता तो ये हमारा हो जाता, डायरेक्ट इतना कर लेते, बस इतना से हमारा आंसर 19 था। छोटी संख्या यदि पूछता तो हम लोग इतना कर लेते, माइनस कर लेते, तो ये हमारा 6 आंसर हो जाता। लेकिन गुणनफल यहाँ पे कहा है तो इन दोनों को गुणा कर दिए क्योंकि 2 संख्या है, तो यही हो गया, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, 3 क्रमागत वाक्य संख्याओं का योग 33 है, तो बीच की संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना है, 3 क्रमागत वाक्य संख्या है, तो यहाँ पे कभी भी इस टाइप का प्रश्न हो तो क्या कहेंगे, क्रमागत हो तो यहाँ पे 3 क्रमागत संख्या का बीच का निकालना हो तो ये जितनी संख्या रहेगा उससे डिवाइड दे देंगे योग में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, 3 का, तो देखिए 33 दिया है और 3 टोटल संख्या है, तो 3 से भाग दे देंगे, ये हो गया 11, ये हो गया बीच वाली संख्या। ठीक है, देखिए बीच वाली संख्या 11 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर ये तो बीच वाली संख्या हो गया, यदि पहली संख्या पूछता है या सबसे छोटी संख्या पूछता है तो क्या करते, तो देखिए ये बीच वाली संख्या 11 हो गया, तो इससे पहले ये क्रमागत वाक्य संख्या है, तो इससे पहले क्या हो जाएगा 10 और इससे बाद में क्या हो जाता, 12 हो जाता, तभी तो ये बीच वाली संख्या हो गया। ठीक है, क्रमागत था तो इसलिए 10 और उसके बाद ये 12 हो गया, तो ये हो गया आंसर, यानी कि छोटी संख्या इसमें पूछता तो 10 हो जाता, 12 हो जाता बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में क्या कहें, इससे पहले मैं बता दूं कि मैं इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन का भी सीरीज करवा हूं जिसमें अभी तक 51 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए मैंने इजी ट्रिक बताई है। यदि आप हमारे सारे पार्ट्स देख लेते हैं तो आपको मैथ के लिए अलग से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए इसके लिए इजी ट्रिक क्या है। तो देखिए यहाँ क्या कहा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर भी सेम ट्रिक लगाना है, 5 संख्या है और योग 30 दिया है, तो देखिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड दे देंगे, 5 × 30, ये हो गया 6 हमारा। ये जो होता है ये क्या होता है, ये मैंने अभी बताया है कि जब इस टाइप का प्रश्न, इसमें ये जो होता है ये होता है बीज का संख्या। ठीक है, बीज की संख्या। अब देखिए बीज की संख्या, तो यहाँ पे 5 होने के लिए कितना, 2 पहले होना चाहिए और 2 बाद में होना चाहिए, तभी तो 5 होगा। तो देखिए इसके पहले सम संख्या क्या है, तो इसके पहले 6 के पहले सम संख्या 4, इससे पहले 2 हो गया,
और इसके बाद 6 के बाद वाली सम संख्या 8 है, इसके बाद वाली 10। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। यानी कि आपको तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या सबसे कौन सी हो गई, तो सबसे छोटी संख्या ये हो गया 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, दो संख्याओं का योगफल 11 है, दो संख्याओं का योगफल 11 है और गुणनफल 58 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में क्या करना होता है, कभी भी योगफल दिया हो और व्युत्क्रमों और गुणनफल दिया हो और व्युत्क्रमों का योग पूछे, तो हमको क्या करना होता है, योग जो दिया हो उसी को जैसे लिख देंगे और गुणनफल इसको बटा में लिख देंगे, यही हो जाएगा आंसर। यानी कि 11 बटा में 18 हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंतर भी कहेगा, यदि अंतर यहाँ योगफल की जगह पे होता, अंतर होता और यहाँ पे अंतर पूछता और गुणनफल यहाँ दिया हुआ था, तो भी यही होता सेम ट्रिक। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहा है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में क्या करना होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, वर्गों का अंतर 37 है। ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, जो यहाँ पे अंतर दिया हुआ है उसमें एक केवल, देखिए 37 दिया हुआ है तो यहाँ पे एक जोड़ के दो से केवल भाग देना होता है। ठीक है, बड़ी संख्या निकालना हो तो, ठीक है, यानी कि यह हो गया 38 बटा में 2, यानी कि 19 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 19 है ऑप्शन नंबर बी। यदि छोटी संख्या पूछा जाए, यदि छोटी संख्या पूछता तो हम लोग क्या करते, ये 37 प्लस 1 किए थे, यहाँ पर माइनस कर लेते, यानी कि देख लीजिए 37 माइनस 1 कर लेते बटा में 2 हो जाता, तो देखिए ये हो गया 36 बटा में 2 यानी कि 58 हो जाता आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 80 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, जब सम संख्याओं का अंतर दिया हुआ हो तो देखिए क्या करना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, 80 जो दिया हुआ है पहले 80 लिख लिए, और यहाँ पे बड़ी संख्या पूछा है तो प्लस 4 करेंगे और 4 से ही भाग देंगे। ठीक है, यानी कि 80 84 हो गया, 84 बटा में 4 यानी कि ये हो गया 21 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर उसी तरह छोटी संख्या कहता तो क्या कर लेते हैं, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर लेते हैं, यानी कि हो जाता क्या हमारा, देखिए 80 माइनस 4 बटा में 4। ठीक है, छोटी संख्या पूछता तो यानी कि ये कितना हो गया, तो देखिए यहाँ पे 80 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 76 बटा में 4, यानी कि इसको डिवाइड देते तो ये हो जाता 4 कहीं 4 3 6 9 36 यानी 19 हो गया, यानी कि 19 हो जाता ये छोटी संख्या। यदि लेकिन यहाँ पे तो बड़ी संख्या पूछा था, तो यहाँ पे हो गया 21 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो देखिए बस आज के लिए बस इतना ही, आखिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।